हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑल इंडिया न्यूज़ 24x7 में आपका स्वागत है। अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और चैनल के द्वारा नए अपडेट्स पाने के लिए चैनल के बेल आइकन को दबाना न भूलें। ऑल इंडिया न्यूज़ 24x7 में आपका स्वागत है। मैं आपका एंकर उत्सव अग्रहारी। यह खबर बिहार के गया जिले से है, जहाँ महिलाओं ने वट वृक्ष की पूजा कर अपने पति की दीर्घायु होने की ईश्वर से मांगी आशीर्वाद। आपको बता दें कि वट सावित्री पूजा महिलाओं द्वारा सुबह से ही वट वृक्ष के समीप अपने पति की दीर्घायु होने की कामना को लेकर पूजा अर्चना करते हुए देखा गया। टिकारी के रानीगंज कोच पंचानपुर विभिन्न स्थानों में महिलाओं द्वारा धूमधाम से वट वृक्ष की पूजा करते हुए पति के लिए दीर्घायु होने की कामना किया गया। पति की लंबी आयु के लिए महिलाओं द्वारा किए जाने वाला वट वृक्ष सावित्री पूजा सोमवार को बिहार के गया में धूमधाम से मनाया गया। वहीं साथ ही बिहार के विभिन्न इलाकों में महिलाओं सुबह से ही सज धज कर बरगद के पेड़ के पास पूजा करने पहुँची। मगध प्रमंडल के गया कोच टिकारी, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल एवं नवादा आदि इलाकों में मौजूद कई वट वृक्षों के पास इस दौरान महिलाओं की काफ़ी भीड़ देखने को मिली। गया बिहार से विश्वनाथ आनंद की रिपोर्ट। क्यों मनाया जाता है वट सावित्री? सौभाग्य के लिए। शुभ नाम क्या हुआ? वहीं बरगद के वृक्ष के चारों ओर सूत के धागे के साथ परिक्रमा करते हुए महिलाओं ने अपने पति की लंबी आयु की कामना की। सुबह धूप कम रहने की वजह से महिलाओं की ज़्यादा भीड़ नजर आई। चढ़ते सूरज के साथ भी महिलाओं की संख्या बढ़ती गई। गर्मी के असर से दूर महिलाएं वट वृक्ष की पूजा के लिए आतुर दिखी। सप्ताह का पहला दिन सोमवार होने की वजह से महिलाएँ वट वृक्ष की पूजा के बाद मंदिर के दर्शन भी करती नजर आई। पूरी मान्यता से सावित्री सत्यवान कथा का श्रवण कर उन्होंने अक्षय वट वृक्ष के चारों ओर घूमकर रक्षा सूत्र बांधा और आशीर्वाद मांगा। इस पावन व्रत पर जिले भर के महिलाओं को वट सावित्री व्रत की शुभकामना देते हुए उनके अखंड सौभाग्यति होने की कामना की। इस मौके पर उनके परिजन और सहयोगी मौजूद रहे। देखिए हमारी रिपोर्ट। वट सावित्री पूजा को लेकर महिलाएं सुबह से ही मंदिर और वट वृक्षों के बीच जाकर अपने पति की दीर्घायु की कामना करते देखी जा रही है। ऑल इंडिया न्यूज़ विश्वनाथ आनंद के साथ कैमरामैन शुभम।